इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुंगेली। नमस्कार, मैं पुखराज सिंह। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में चौथी पारी खेलने का दावा किया था, मगर कांग्रेस पार्टी ने इनके सपने को चकनाचूर कर दिया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में 68 सीटों की बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। वहीं मिशन 72 के साथ मैदान में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की गठबंधन वाली पार्टी मात्र 7 सीटों में सिमट कर रह गई। देखिए चुनावी नतीजों पर हमारी यह खास रिपोर्ट, विधानसभा चुनाव 2018 का विश्लेषण। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दो चरणों में मतदान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने जीत के दावे करने के साथ ही अपनी सरकार बनाने की बात कही जा रही थी, मगर फैसला तो जनाधार के मुताबिक ही होना था। और आखिरकार 11 दिसंबर को हुए मतगणना के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही गया। मतगणना के नतीजों को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 65 सीटों की बढ़त के साथ चौथी पारी का सपना देखने वाले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को मात्र 15 सीट मिले। वहीं मिशन 72 के नारे के साथ मैदान में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की गठबंधन वाली पार्टी मात्र 7 सीटों में सिमट कर रह गई। और 90 सीटों की बढ़त के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र बनाकर मैदान में उतरी कांग्रेस पार्टी मुकद्दर का सिकंदर बन गई। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटों पर कब्जा कर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को उखाड़ फेंका है। मगर कांग्रेस पार्टी में अब भी कश्मकश का माहौल है कि आखिर पार्टी का आला कमान यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर हम 2013 के विधानसभा चुनावों के नतीजों की बात करें तो 49 सीटों की बढ़त के साथ डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी सरकार की तीसरी पारी की शुरुआत की थी। मगर ऐसा क्या कारण रहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में मात्र 15 सीटों में सिमट कर रह गई। पहला प्रमुख कारण जो लगता है वो है कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र। विधानसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस पार्टी व पीसीसी नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के कोने कोने में पहुंच सभी वर्ग के वोटरों से मिल उनकी समस्याओं को जाना था, और इन्हीं सब मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल भी किया था, जिसमें मुख्य रूप से किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने वाले पॉइंट प्रमुख थे। और यही कारण है कि प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा अपने धान को बेचने में खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही थी। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र के घोषणाओं में कितना खरा उतरती है। दूसरा प्रमुख कारण जो लगता है वो है सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन किया जा रहा था। महीनों महीनों तक चले इस प्रदर्शनकारियों के मांगों में से कुछ को तो पूरा किया गया और बहुतों के मांगों को डॉक्टर रमन सिंह की सरकार द्वारा अनदेखा कर दिया गया, जिसके कारण इन कर्मचारियों में भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी बनी हुई थी और उन्होंने परिवर्तन का रुख अख्तियार कर लिया। तीसरा प्रमुख कारण जो लगता है वो है किसानों के साथ वादा खिलाफी। वर्ष 2013 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किसानों से यह वादा किया था कि उनको धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2100 रुपये व 300 रुपये बोनस भी दिया जाएगा, मगर 5 वर्षों में से मात्र 2 वर्ष ही इस वादे को पूरा किया गया। लेकिन इसमें भी बोनस मिलाकर 2100 रुपये मात्र ही किसानों को मिला व बाकी के 3 वर्षों में ऐसा भी नहीं हुआ, जिसके कारण किसानों में भाजपा की सरकार के लिए नाराजगी बनी हुई थी। चौथा प्रमुख कारण जो लगता है वो है बेरोजगारी व आउटसोर्सिंग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार सत्ता पर काबिज रहे भाजपा की सरकार ने बेरोजगारी को अपने चुनावी घोषणा पत्र में अहम रूप से शामिल किया था, मगर प्रदेश में जनसंख्या के साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने में वे नाकामयाब रहे।
इसके विपरीत डॉक्टर रमन सिंह द्वारा आउटसोर्सिंग के जरिए प्रदेश में बेरोजगारी को और बढ़ा दिया गया और यही वजह है कि यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों का डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पर से भरोसा उठ गया था। पांचवा प्रमुख कारण जो लगता है वो है मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप। लगातार तीन बार सत्ता पर काबिज रहे भाजपा सरकार के मंत्रियों पर अनेकों बार भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा। इन आरोपों में से डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का नाम भी पनामा घोटाले में प्रमुख रूप से शामिल था। डॉक्टर रमन के राज में मंत्रियों के घोटालों की फहरिस्त में से एक नान घोटाला भी प्रमुख है। कुछ समय पहले नान घोटाले से जुड़ी एक डायरी में दो मंत्रियों, एक पूर्व मंत्री सहित कई अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे और यही डॉक्टर रमन के लिए गले का फांस बन गया। विधानसभा चुनाव 2018 के परिणामों के घोषणा के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है, वहीं भाजपा के हाथ बस 15 सीट ही आए। छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाले बिलासपुर से अमर अग्रवाल, कसडोल से गौरी शंकर अग्रवाल, रायपुर पश्चिम से राजेश मुड़त, तखतपुर से हर्षिता पांडे, प्रतापपुर से राम सेवक पैकरा, नवागढ़ से दयाल दास बघेल, बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, बीजापुर से महेश गागड़ा, कोंडा गांव से लता उसेंडी, कोरबा से विकास महतो, खरसिया से पूर्व आईएएस ओम प्रकाश चौधरी सहित अन्य तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो करारी हार के बाद वर्तमान में चर्चा के विषय बने हुए हैं। इन्हीं हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाए तो मुगेली विधानसभा भी एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां 40 साल से राजनीति में सक्रिय पुन्नूलाल मोहले को 4 बार सांसद और 5 बार विधायक की पारी खेलने के बाद मुगेली की जनता ने अपने बहुमत के साथ 6वीं बार विधायक के रूप में चुना है। मुगेली विधानसभा में लंबे समय से राज कर रहे बीजेपी के पुन्नूलाल मोहले के लिए यह विधानसभा चुनाव आसान नहीं था, क्योंकि मुगेली नवागढ़ रोड स्थित गार्डन में हुए भ्रष्टाचार के मामले ने तूल पकड़ा हुआ था और शहरी क्षेत्र की जनता में नाराजगी के स्वर भी उठने लगे थे। बावजूद इसके मुगेली की जनता ने इनको मौका दिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटों पर कब्जा कर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को पछाड़ तो दिया है, मगर कांग्रेस पार्टी में अब भी कश्मकश का माहौल यह है कि आखिर पार्टी का आलाकमान यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए लंबी फहरिस्त है, मगर दो अहम चेहरे जो सामने आ रहे हैं वो है पीसीसी अध्यक्ष व पाटन विधानसभा से नव निर्वाचित विधायक भूपेश बघेल और पीसीसी नेता प्रतिपक्ष व अंबिकापुर विधानसभा से नव निर्वाचित विधायक टीएस सिंहदेव। अब देखना होगा कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के घोषणाओं के साथ कांग्रेस किसके हाथों में छत्तीसगढ़ की बागडोर देती है और वह कितना खरा उतरता है। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर का चुनावी स्पेशल विधानसभा चुनाव 2018 का विश्लेषण और इसे तैयार किया है आरजे रमझाझर के संपादक हेमंत पटेल और मैंने यानी पुखराज सिंह ने। सहयोगी थे संवाददाता विनय राज व कैलाश कुमार। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य दिलचस्प खबर के साथ। अब देखते रहिए आरजे रमझाझर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।